ग्रीक माइथोलॉजी के सुप्रीम लॉर्ड ज़ियूस को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अपनी हुकूमत के दौरान पहले से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसने दानवों, टाइटंस और शक्तिशाली टाइफोन से लड़ाई की। बहरहाल उन्होंने माउंट ओलंपस के केंद्र में विद्रोह पैदा होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। शुरुआती समय में ज़ियूस ने टाइटनोमेकी के दौरान टाइटंस के खिलाफ ओलंपियन देवताओं की जीत का नेतृत्व किया। ब्रह्मांड पर नियंत्रण के लिए देवताओं और टाइटंस के बीच युद्ध हुआ। ज़ियूस सुप्रीम लॉर्ड बन गया, जिसने माउंट ओलंपस में अपने सिंहासन पर बैठकर दुनिया पर राज किया। जब भगवान ने अपने शक्तिशाली थंडरबोल्ट को उजागर करते हुए अपना हाथ उठाया, तो अन्य देवता सम्मान से झुक गए। किसी भी देवता के पास ज़ियूस जितना अधिकार नहीं था। केवल देवी हेरा, ज़ियूस की पत्नी, अपने पति के समान सम्मानित थी, लेकिन जब वह हुकुम देता था तो देवी भी सर्वोच्च देवता के खिलाफ नहीं जा सकती थी। हालांकि ज़ियूस अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन वह उसके प्रति वफादार नहीं था और उसके विवाहेतर संबंध थे। इस कारण से हेरा और ज़ियूस उसकी बेवफाई के कारण लगातार लड़ते थे। अपने पति से अपमानित होने से तंग आकर देवी ने ओलंपस के भगवान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। अन्य ओलंपियन देवता भी ज़ियूस के अहंकार और घमंड से तंग आ चुके थे। ज़ियूस ने अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया को आदेश दिया और शासन किया। हेरा के नेतृत्व में उन्होंने अपने संप्रभु के खिलाफ तख्ता पलट करने का फैसला किया। देवताओं ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां ज़ियूस एक शानदार बिस्तर में सोया था। पोसाइडन और अपोलो ने भगवान की बाहें पकड़ ली और हेफेस्टस द्वारा बनाई गई शक्तिशाली सोने की जंजीरों का उपयोग करते हुए उसे अपने बिस्तर पर जंजीर से बांध दिया। जब तक ज़ियूस ने देखा कि क्या हो रहा है, वह क्रोध से भस्म हो चुका था। भगवान ने सबसे भयानक धमकियां दी, लेकिन अन्य देवताओं ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी रुचि इस बात में अधिक थी कि सर्वोच्च सिंहासन पर कौन बैठेगा। देवी हेरा, ओलंपस की रानी और विद्रोह की नेता, खुद को अपने पति के सिंहासन के लिए स्पष्ट मानती थी, लेकिन सिंहासन के अन्य दावेदार भी थे। एथीना स्वयं को सबसे अधिक जानकार और प्रतिष्ठित समझती थी, लेकिन अपोलो का मानना था कि केवल सूर्य देव ही इस नए चक्र में प्रकाश ला सकते हैं, जबकि पोसाइडन ने सबसे शक्तिशाली होने का दावा किया था। हेस्टिया एकमात्र ऐसे व्यक्ति थी जो इस पद के लिए नहीं दौड़ी। नेरियस की बेटी फेटस ने भविष्यवाणी की थी कि ओलंपस में गृह युद्ध होने वाला है। भाइयों के खिलाफ भाइयों की लड़ाई दुनिया को अराजकता में डाल सकती है और केवल ज़ियूस का स्थिर हाथ ही ऐसे संघर्ष को टाल सकता है। ब्रून की मुलाकात शक्तिशाली ब्रेरियस से हुई, जो हेकाटोनचेयर्स में सबसे महान था, जो 100 भुजाओं और 50 सिरों वाला एक विशाल प्राणी था। ज़ियूस के प्रति ब्रेरियस की वफादारी अटूट थी और वह ओलंपस चला गया। ऐसे प्राणी के सामने देवता सुन्न पड़ गए। हेकाटोनचेयर ने ज़ियूस को कैद करने वाली जंजीरों को तोड़ दिया। सर्वोच्च देवता ने एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट की ध्वनि निकाली, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तख्तापलट में भाग लेने वाले देवताओं ने अधीनता के संकेत के रूप में अपने हथियार डाल दिए। इससे भगवान का क्रोध थोड़ा कम हुआ। ज़ियूस के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए हेरा को दंडित किया गया। देवी को जंजीरों से बांधकर आकाश में लटका दिया गया। वह उस पद पर तब तक बनी रही जब तक उसने यह शपथ नहीं ले ली कि वह अपने पति के खिलाफ फिर कभी विद्रोह नहीं करेगी। ज़ियूस के पास अपोलो और पोसाइडन के लिए एक विशेष सजा थी। देवताओं को ट्रोजन राजा लोमेदोन की सेवा करनी थी और अभेद्य ट्रोजन दीवारों के निर्माण में मदद करनी थी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें द वंडर टेल स्टूडियो।